सहस्त्राब्दियों पहले कंस ने जब मुझे यूं ही पटक कर मार डालना चाहा, मैं उसके हाथों से छिटक कर ऊपर आकाश में चली गई, उसे श्राप देते हुए परिणाम का। मैं नहीं देख पाई सितारे, मैं नहीं देख पाई घास भी, मैं नहीं देख पाई आसमान और चिड़िया, मैं नहीं देख पाई पेड़ और नदी, मैं नहीं देख पाई पहाड़, मैं नहीं देख पाई गुड्डे गुड़िया, बादल और झूले। मैं जितना कुछ भी नहीं देख पाई, उतना ईश्वर तुम्हें देख लेगा। रक्त बीज को मारने वाली देवी, तेरे ही सामने बिखरा पड़ा है बीजों का रक्त। विज्ञापन ही था वह घाना की कॉफी का, जिसमें एक दाने को कर दिया जाता है खारिज, उसे परखने के बाद, उसे सॉरी कहने के बाद। मैं भी कुछ हो सकती थी सीता, सावित्री या अंबिका, दुर्गा या सरस्वती, लक्ष्मी या लक्ष्मी बाई। क्या तुमने मुझ दाने को खारिज करने से पहले कुछ तो भी परखा कि मुझ में भावना न देखी, माफ किया, संभावना देखी और ईमानदारी से दिल में मुझे सॉरी भी कहा? वे गिन सकते हैं कि एक सेब में कितने बीज हैं, लेकिन उनके बस में नहीं है ये गिनना कि एक बीज में कितने सेब हैं। क्या इसी असमर्थता का आक्रोश उतार रहे हैं वे निरीह और सरल और सुकोमल बीज पर? माँ, तुम्हें पता है, जितने लोग डॉक्टर की भ्रूण हत्या क्लिनिक में गए, आधे ही वापस आए जिंदा। ये सांख्यिकी चौंकाती है क्या? समझ नहीं आती? मैं समझाती हूँ। तुम और मैं, हम दो गए क्लिनिक में, तुम वापस आई, मैं नहीं। सच कहूँ माँ, तुम भी आधी ही वापस आई। बचपन में तो हम आसानी से रट लेते थे, नर हो न निराश करो मन को। जब बड़े हुए तो समझ आया कि नारी की निराशा अनुज्ञेय है। माँ, तुम हिरण्य गर्भ हो हर स्त्री की तरह, तुम्हारा गर्भ त्रुटि नहीं है, तुम्हारा गर्भ हीनता नहीं है, तुम्हारा गर्भ बोझ नहीं है। उनसे कहो माँ कि तुम्हारे मातृत्व का शिकार नहीं किया जा सकता। उनसे कहो माँ कि अपनी कोख को लेकर तुम कभी क्षमा प्रार्थी न होगी। मैं एक बिंदु थी, ये तुम्हें तय करना था कि मैं शून्य हूं, बूंद हूं या वृत्त हूं। जब तुमने मुझे शून्य कर दिया, मैं तुम्हारे कपोलों पर दूर की बूंद थी माँ। और वह वृत्त किसने खींचा जिसे तुम कभी लांघकर कह न सकी कि झलकता है इस बिंदु में भी सिंधु का प्रतिबिंब।